हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि जो यूएपी एक्ट होता है 1967 यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 का जो एक्ट है, जिसका हिंदी में नाम है कि गैर कानूनी गतिविधियों का जो रोकथाम अधिनियम है 1967 का, उसको समझने वाले हैं। अगर हम बात करें अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और अनलॉफुल असेंबली, इन दोनों की डेफिनेशंस हम आईपीसी में भी देख सकते हैं, लेकिन इस एक्ट में जो इस इनेक्टमेंट का जो तरीका है वो क्यों किया गया, उसके पीछे कुछ पर्पसेस है। अगर इस एक्ट को हम देखें तो इसमें दोषी किसी को तब पाया जाता है जब कोई क्राइम या कोई भी ऑफेंस करता है कोई भी व्यक्ति, वो इंडियन सोवरेनिटी यानी भारत की प्रभुसत्ता या भारत की जो एकता है हमारे देश की, उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस करता है, कोई भी बाहर का व्यक्ति हो या वो फिर देश से हो, तब इस एक्ट के तहत उसको चार्ज किया जाता है, यानी उसको आरोपी इस एक्ट के तहत पाया जाता है। जो प्रोविज़न है इस एक्ट की वो काफ़ी हाइनेस है। अगर और से देखें हम तो जो पनिशमेंट के तरीके है और जो प्रोसीजर है वो CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, उससे थोड़ा सा हम इसको कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा बढ़कर है। वो ऐसे है कि जब भी कोई व्यक्ति इस एक्ट के तहत उसको जब एक्यूज यानी दोषी करार कर दिया जाता है, तब उसके जो काफ़ी राइट्स है, अगर बेल राइट की बात करें हम, तो वो काफ़ी हद तक फिनिश हो जाते हैं। अब अगर हम इस पे अगर देखें तो अगर एक रिसेंटली केस आया है सफूरा जरगर एक लेडीज़ है 27 ईयर्स की, जो CA NTCA जो प्रोटेस्ट हुए उनमें उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। जो जाफराबाद रोड है दिल्ली, उसको ब्लॉक करने के आरोप में उनको, और काफ़ी वहाँ पर जो राइट्स हुए वहाँ पर दंगा भड़काने के आरोप में उनको इस एक्ट के तहत चार्ज किया गया। जब उनको इस एक्ट के तहत चार्ज किया गया तब उनको 10 अप्रैल यानी 10 अप्रैल को उनको जब अरेस्ट किया गया तो 13 अप्रैल को उनको बेल मिल जाती है। लेकिन एक अनदर FIR होती है जिसके अंडर वो फिर से उनको दोबारा अरेस्ट कर दिया जाता है। जब उनका दूसरी FIR में नाम आ जाता है तो वो फिर से अरेस्ट कर ली जाती है, तब उनको UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 इसके अंडर उनको एक्यूज्ड पाया जाता है। जब वो दोषी पाई जाती है इसमें कि आप इस एक्ट के तहत, ये इस एक्ट के जो भी सेक्शन से वो उनको चार्जेस किया जाता है, तो उनकी जो बेल है एप्लीकेशंस है उनको कोर्ट डिनाई कर देती है। जो उनकी एप्लीकेशन में मेन ग्राउंड थे वो थे कि वो जब अरेस्ट हुई वो तकरीबन 21 वीक्स यानी 21 हफ्ते से वो प्रेग्नेंट थी, ये उनका एक ग्राउंड था। जो लेकिन अगर हम CRPC में बात करें तो अगर ऐसा ग्राउंड किसी पर होता है तब उनको बेल आसानी से मिल जाती है, लेकिन अगर वही एक्यूज्ड UAPA यानी इस एक्ट के तहत चार्ज है, वो दोषी इस एक्ट के अंदर है, तो उसको बेल मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उनको जब उन्होंने बेल एप्लीकेशन लगाई तो उनको बेल डिनाई कर दी जाती है कि आप UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत आप दोषी हो, तो आपको बेल इस ग्राउंड पर आपको बेल नहीं मिल सकती। उसके कुछ जो ये एक्ट है इसके सेक्शन यानी 43D है, वो खुद कहता है कि अगर CRPC सेक्शन 438 अगर वहाँ पर बेल का प्रोविज़न है तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर प्राइमा फेसी रिपोर्ट से ये साबित यानी कोर्ट को ये लग रहा है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है कोर्ट के, उनको ये लग रहा है कि जो पुलिस ने चार्जशीट प्रिपेयर की है वो प्राइमा फेसी ट्रू है, तो इस एक्ट के अंडर उनको बेल नहीं मिल सकती। अब इस बेल के साथ साथ एक डिफ़ॉल्ट बेल का प्रोसीजर भी है कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपनी 90 डेज यानी अपने जो एक टाइम पीरियड है उसमें नहीं कर पाती तो डिफ़ॉल्ट बेल का ऑप्शन अपने आप क्रिएट हो जाता है। लेकिन इस एक्ट में एक जो प्रोविज़न है वो ऐसे है कि आपको डिफ़ॉल्ट बेल मिलने के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। वो ऐसे है कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का वो 90 डेज से 180 डेज तक भी किया जाता है, कि इस ऐसे करने से जो बेल डिफ़ॉल्ट बेल के राइट है जो आपको क्रिएट होता है वो एक तरह से सस्पेंड ही हो जाता है। ये सेम प्रोसीजर चलता है सफूरा जरगर के केस में, जब
जेल अथॉरिटीज़ है उन्होंने अपने ग्राउंड में ये कहा कि मुझे, मैं एक प्रेग्नेंट लेडी हूँ, मुझे काफ़ी परेशानी हो सकती है जेल में। तो तिहाड़ जेल जो अथॉरिटीज़ है उनका कहना था कि ऐसा नहीं है, जेल में ऐसी महिलाएं पहले भी आ चुकी है और अब भी है, जिन्हें जो प्रेग्नेंट भी है और उनकी वहाँ पर डिलीवरी भी होती है। तो इस ग्राउंड को जो कोर्ट है वो बिल्कुल मना कर देती है कि आपको इस ग्राउंड पर बेल नहीं मिल सकती। लेकिन वो अपनी बेल को, जो सफूला जरगर इस केस में डिफेंस काउंसिल है, वो फिर से इस केस को, अपने जो बेल पेटिशन है उसको फिर से फाइल करते हैं और उनको फाइनली 23 जून, इस केस में 23 जून को जो हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड यानी मानवतावाद के जो आधार है उस पर बेल दे, उनको दे देती है। और साथ में कोर्ट ये भी कहती है हाई कोर्ट कि आप इसको एज ए प्रेसिडेंट यूज़ ना करें, कि जो जिस जैसे हम बेल दे रहे हैं वो सिर्फ एक प्रेग्नेंट वो लेडीज़ है, इसी एक इस आधार पर नहीं दे रहे हैं, सिर्फ इस बेस पर दे रहे हैं कि ये मानवतावाद के सिद्धांत पर है। इस केस में जो SGS सोलिसिटर जनरल है मेहता साहब, उन्होंने ये भी कंडीशन लगवाई कोर्ट को कि जब ये जो बेल है वो 23 वीक्स तक इनको दी जानी चाहिए और साथ में उनको ये भी कहा जाए कि आप इस पीरियड में दिल्ली में कहीं विजिट नहीं करेंगी। इस बात पर जो डिफेंस काउंसिल है उनका ये भी उनका ये कहना था कि उनके जो हस्बैंड है और जो उनके डॉक्टर है वो दिल्ली में ही रहते हैं और दिल्ली में उनके हस्बैंड काम करते हैं, तो इस ग्राउंड को आप कम से कम इस कंडीशन को, जो बेल कंडीशन आपने लगाई है उसको रिमूव किया जाए। बट हाई कोर्ट इस बात को वैलिड मानती है कि अगर SG की जो यानी सोलिसिटर जनरल जो कह रहे हैं वो ठीक है, आप तब तक इस पीरियड के अंदर आप दिल्ली विजिट नहीं कर सकती। सो फ्रेंड्स, ये केस काफ़ी एक्टिव केस रहा है अगर जुडिशरी में देखें हम फिलहाल अब तक, और UAPA के तहत यह केस चला है। जो चार्जेस फ्रेम हुए हैं वो UAPA के अंडर ही हुए हैं। अगर पुलिस रिपोर्ट यानी जो प्राइमा फेस रिपोर्ट प्रिपेयर करती है उसे प्राइमा फेस ये ट्रू लग रहा है कि जो चार्जेस एक्यूज्ड पर लगे हैं वो ठीक है, तो कोर्ट आपको इस एक्ट के अंडर बेल देने से मना कर सकती है। तो ये CRP मोस्टली, ये अगर इस एक्ट की हम बात करें तो ये जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं यानी कहीं ना कहीं जो यूनिटी को कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है कंट्री की, उसकी सॉवरेनिटी को अफेक्ट करती है, उन्हीं अपराधियों पर यानी हर किसी पर नहीं, कि जो किसी भी चीज़ का विरोध करना है वो इंडिया में लीगल है। हम आर्टिकल 19(1) के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ का अपनी, हमें फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है हमारे पास, हम स्पीच किसी को भी हम बोलने का सबको अधिकार है, लेकिन जब कोई एक्टिविटीज़ अनलॉफुल होती है तब ऐसे एक्ट्स की जरूरत पड़ जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में समझने